गरीबों के डॉक्यूमेंट्स लेकर झोल झाल करके नई गाड़ियां निकालकर दूसरे लोगों को बेचने का मामला आज भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के अधिकारियों ने पर्दाफाश किया। नमस्कार, आदाब। इतनी गाड़ियां देखकर भिवंडी वालों को ऐसा लगेगा, या जहां तक ये चैनल देखा जाता उन्हें भी ऐसा लगेगा शायद ये किसी गाड़ी का शोरूम होगा, मगर ये शोरूम नहीं, भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 का कार्यालय है और यूनिट के जो लोग हैं उनकी मेहनत का ये नतीजा है। आमतौर से भिवंडी शहर में क्या हो रहा है कि अक्सर किसी चौराहे पे आपको एक छतरी वाला मिलेगा, आधार कार्ड लाओ, पेन कार्ड लाओ, तुम्हारा लोन कर देता हूँ, या इस तरह का और भी काम भिवंडी शहर में बड़े दूरों से चल रहा है। ऐसे में ये काम भी भिवंडी शहर में बड़े दूरों पर चल रहा है। इसमें असल में होता क्या है कि किसी गरीब आदमी को लिया जाता है, आधार कार्ड और पेन कार्ड मांगा जाता है। जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसे 5,000 रुपया देकर उसका आधार कार्ड और पेन कार्ड ले लिया जाता है और बताया जाता है कि करीब 6 महीने में तुम्हें एक नई गाड़ी भी हम देंगे और लोन भरते रहना। वो गाड़ी पहली निकाली जाती है उसी डॉक्यूमेंट पर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये उसका नतीजा है कि भिवंडी क्राइम यूनिट ने ये 32 गाड़ियाँ बरामद की है इस तरह के लोगों से, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है। 3 लोग 15 तारीख तक ये चारों की पीसी है और एक फ़िलहाल क्वारंटाइन में है, 3 यहाँ मौजूद हैं। तो भिवंडी शहर के जो लोग हैं इस तरह का धोखा दोबारा ना खाएं, इसलिए यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी जो अपर पुलिस आयुक्त हैं अशोक मोराले जी, जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम ने आज भिवंडी शहर के लोगों से भी अपील की है कि इस तरह का धोखा दोबारा ना होने पाए भिवंडी शहर में, और आप अपना पेन कार्ड, आधार कार्ड किसी अनजान आदमी को ना दें। और अगर गाड़ी लेना है तो बहुत सारे शोरूम खुले हुए हैं, जाकर सीधे सीधे गाड़ियाँ ले लें। मगर इसमें ख़ास बात यह है कि मेरे आधार कार्ड या पेन कार्ड पर दूसरा व्यक्ति कैसे इस तरह की गाड़ियाँ निकाल लेता है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो बैंक के लोग हैं और जो बीच के लोग हैं और ये जो गाड़ियाँ जहाँ से मिलती है, जो शोरूम से या गोडाउन से, ये पूरी एक टीम है और ये जाँच का विषय है। ऐसी उम्मीद है कि क्राइम ब्रांच यूनिट के जो लोग हैं इसकी पूरी जाँच करेंगे। मैं अनिल गजरे के साथ खान फख्र आलम। ये पूरा मामला क्या है और इस जो इतनी सारी साथ में जो बाइक पकड़ी है, पूरा मामला बताइए सर क्या है? भिवंडी में हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोगों के नाम पर लोन किए गए हैं फाइनेंस कंपनी के, और जो कि उनको मालूम नहीं है, और उनके जो भी ईएमआई है वो ईएमआई लेने के लिए फाइनेंस कंपनी के लोग आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन पे हमारी जो टीम है, यूनिट 2 की टीम है, स्पेशली सचिन गायकवाड़ और उनकी टीम, उन्होंने ये इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके तो इन्वेस्टिगेशन करके जब ये सच सामने आया कि इसमें जो गरीब और गरजू लोग रहते हैं, नीडी पर्सन्स रहते हैं, और तो उनको उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड वो दोनों लेके उसके आधार पर बैंक से या फाइनेंशियल कंपनी से लोन बनाते थे और उससे मोटरसाइकिल खरीदते थे और वो मोटरसाइकिल बाहर कम दाम में बेचते थे। ऐसी है कि ये टोली ये भिवंडी में कार्यरत थी। इसमें से हमने अभी तक 4 आरोपी अरेस्ट कर दिए, इसमें से 33 मोटरसाइकिल और मोबाइल्स और बाकी प्रॉपर्टी जो रिकवर की है, 32 लाख की प्रॉपर्टी करीब करीब रिकवर की है। आगे भी जांच उसकी चालू है। आगे सर, सामान्य नागरिक ने जो बाइक खरीदी है और जो उसको चीटिंग करने वाला, आप कार्रवाई किस पे करें, सामान्य नागरिक पे भी कार्रवाई करेगी क्या उस पे जो जिसने? नहीं, जो चीटिंग अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन करके जिसने भी चीटिंग की है उस पे कार्रवाई होगी। सर, ये डीलर जो बैठे छोटे मोटे शोरूम लेके जिन्होंने ये गाड़ी दिया है, एक डॉक्यूमेंट पे 3-3 गाड़ी, तो सर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई किया? अगर उनके उसमें गलती है सैंक्शन करने में या इश्यू करने में अगर गलती है तो लीगल कार्रवाई होगी। सर, देखा जाए तो जो फाइनेंस कंपनी है जो एक डॉक्यूमेंट पे 3-3 लोन कर दी, सर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए? ये बिल्कुल हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर उनका फॉल्ट, कोई आदमी उनका कोई इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली कायदेशीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जनता को क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बहुत बड़ा मामला है। एक तो नागरिक, सभी सिटीजन ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप KYC डॉक्यूमेंट आपका, जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट है, वो किसी और के हाथ में ना दे। कोई निश्चित कारण से अगर कोई बोलता है कि आपका आधार कार्ड दो, ये दो, तो देना नहीं चाहिए ओरिजिनल जो कार्ड है वो, और KYC डॉक्यूमेंट स्पेशली। और जो भी गाड़ी खरीदने वाले हैं, वो खरीदने वाले लोगों ने भी, जो भी लीगल सोर्स है, जो भी शोरूम है, शोरूम और अधिकृत फाइनेंस कंपनी है,
वो उनसे लोन वगैरह लेके या जो भी उनको जैसे भी लेना है वो लीगल सोर्स से गाड़ी लेना चाहिए। सर ये 5,000 की जो स्कीम क्या बता रहे थे 5,000 की, वो आई कार्ड वो अपना आधार कार्ड और जो पान कार्ड वो लेते थे उसके बदले में वो 5,000 रुपये उनको देते थे और उनको ये भी बोलते थे कि हम 6 महीने के बाद तुमको मोटरसाइकिल भी दे देंगे। तो ये तो उनको लियर करने के लिए किया। सर जिन्हें अरेस्ट किया गया है उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? नहीं अभी तक तो अभी इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। तो सर ये जो गाड़ी पुलिस ने जब्त किया क्या ये बैंक को वापस दिया जाएगा? ये तो अभी जिसकी गाड़ी है वो वेरीफाई करके तब इन्वेस्टिगेशन करके